कि उसूलों पर जहां आँच आए तो टकराना जरूरी है, अंदाज अंधा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो। भाई साहब, जवान का मच अवेटेड फर्स्ट सॉन्ग आ चुका है और पूरा सॉन्ग इतना घटिया लगा मुझको, मैं बता नहीं सकता। सिर्फ वो स्टार्टिंग की लाइन है ना, उसे छोड़कर, मतलब शुरुआत इतनी सॉलिड करी, भारी भरकम एसआरके की आवाज़ में दमदार शायराना डायलॉग जो सो करता है, एक इंटेलिजेंस, एक मैच्योरनेस, एक भरपूर तजुर्बे वाला बंदा जिसने ज़िंदगी को वाकई में बारीकी से जिया है। लेकिन तभी चालू होता है सॉन्ग और फिर होता है मूड ख़राब। मतलब आप लोग पागल हो, ऐसा लग रहा है टोक्यो का स्ट्रीट वे है जहाँ इतनी सारी भीड़ जमा कर रखी है, भीड़ भाड़ कोई क्लियरिटी नहीं है। वो तो एसआरके को रेड शर्ट पहना दिया तब अलग छट गए, वरना ये भी गुम हो जाते उस भीड़ में। देखो, जब पठान आई थी तो इसका पहला सॉन्ग क्या दमदार था यार, झूमे जो पठान, एक नंबर म्यूजिक, उसका लोकेशन, डांसिंग मूव्स, मतलब ऑसम कोरियोग्राफी, बिट टू बिट क्लैरिफिकेशन, कोई भीड़ भाड़ नहीं, एकदम रंग बिरंगा सेटअप, बहुत दमदार, अमेजिंग था, अमेजिंग कॉन्सेप्ट था। और उसका जो आइकॉनिक स्टेप था वो जहर था भाई साहब, और वो सॉन्ग हिट भी हुआ था जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मेन पार्ट उसका म्यूजिक एक नंबर था जो कंपोज किया गया था विशालन शेखर के द्वारा और संग बाई अरिजीत सिंह। लेकिन जो इतनी बड़ी मूवी होने वाली है जवान, जिसका वेट पब्लिक इतनी बेसब्री से कर रही है, इसके टीजर को इतना प्यार दिया, इसके प्रीव्यू को इतना प्यार दिया, इसके हर एक पोस्टर को इतना प्यार दिया, और पहला सॉन्ग निकाला फुसकी बम, मतलब तुम्हें लग रहा है कि ये वही मूवी है जिसका हाइप 100 नहीं 200% चढ़ा हुआ है लोगों के दिलो दिमाग में। देखो ना, तो इसका म्यूजिक दमदार है, बस स्टार्टिंग का पार्ट वही मस्त है, बस वो एसआरके का डायलॉग, फिर वो बीजीएम टेन टेन वाला भाई साहब, वो मस्त है, बिल्कुल अमेजिंग, वो एक नंबर है। देखो, जो अच्छा है उसे अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन फिर उसके बाद जो रायता फैला है, आए हाय हाय, कतई मुश्किल से मैंने देखा है पूरा सॉन्ग। मतलब ऐसा होता है ना कि जिसके लिए इतना इंतजार रहता है उसे हम बड़ी बेसब्री से देखते हैं, मेरा तो दोबारा देखने का मन ही नहीं हुआ। बाकी अगर पिछली फिल्म पठान को उठाओ तो झूमे जो पठान, इसके लिरिक्स क्या अमेजिंग थे, बेसरण रंग सॉन्ग के भी लिरिक्स अमेजिंग थे, मतलब याद रखने वाली बिल्कुल पार्टी सॉन्ग्स थे। लेकिन ये तो इसके लिरिक्स ऐसा लग रहा है बिना मन के लिख दिया है, जिंदा बंदा बस यही सुनाई दे रहा है पूरे गाने में और कुछ नहीं। तो ये गाना सुनकर मेरा गाना फट गया भाई साहब, सच में। बाकी एसआरके की पर्सनैलिटी होने वाली है मूवी में हम सब जानते हैं, कसम से बोल रहा हूँ, कतई मैच नहीं खा रहा है इस सॉन्ग के लिरिक्स से इसकी पर्सनैलिटी को, और बैकग्राउंड सिंगर का वॉइस भी कतई मैचअप हो ही नहीं रहा है एसआरके की पर्सनैलिटी को हिंदी में। यार, यहाँ कोई दमदार आवाज वाला सॉन्ग कराना था, लाइक विशाल डडलानी, और अगर ये गा देता ना चार चांद लग जाते इस गाने को, या फिर अरिजीत सिंह से गवा लेते अपने हिंदी वर्जन के लिए। मतलब मैं बता नहीं सकता, छोटे मोटे यूट्यूबर्स की वीडियो क्लिप्स इससे अच्छी होती हैं इस सॉन्ग से। मतलब आपने 15 करोड़ रुपए खर्च करे भीड़ इकट्ठी करने में, थोड़ा हाई बजट सिंगर में 1-2 करोड़ खर्च कर लेते मजा ही आ जाता। बाकी 1000 बैक डांसर्स का यूज किया गया है और सेटअप अच्छा खासा सेट किया गया है और सॉन्ग लोकेशन पूरी चेन्नई में है। देखो, दूसरा ये है कि सॉन्ग में ना ओरिजिनलिटी वाला फील बिल्कुल नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि डबिंग कर रखा है। दैट्स वाई कि जो गैप जनरेट हो रहा है ना हिंदी ऑडियंस को हिट करने के लिए इस सॉन्ग में, वो यही है कि सॉन्ग तमिल में लिखा गया है और हम सब जानते हैं सेकंड हैंड माल तो सेकंड हैंड माल ही होता है। हाँ, सॉन्ग दो भाषा में रिलीज कराया गया है, एक तमिल और दूसरा हिंदी, लेकिन आप तमिल वर्जन देखो ना, बिल्कुल फिट बैठ रहा है सॉन्ग, उनकी पर्सनैलिटी को, उसके मैचअप को, उसके साउंड सिस्टम, उसके म्यूजिक, बीजीएम, एवरीथिंग, क्योंकि सॉन्ग बनाया ही तमिल लैंग्वेज और उनकी ऑडियंस को फोकस करके। हिंदी में तो जैसे तैसे कलिश निपटा दिया है इन्होंने, म्यूजिक कम बज रहा है, हल्ला ज्यादा हो रहा है भाई साहब, ऐसा लग रहा है तमिल और साउथ की ऑडियंस को ज्यादा खुश करने के चक्कर में है ये, अपनी घर की ऑडियंस का ही ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो भैया, हिंदी ऑडियंस का भी ख्याल रखो, आगे आपको सिर्फ हिंदी से ही 600 करोड़ का बिजनेस भी करना है। बाकी आप लोगों ने भी सॉन्ग को देख लिया है तो आप लोगों को ये सॉन्ग कैसा लगा, मजा आया या नहीं? दूसरा, झूमे जो पठान और जिंदा बंदा में बेस्ट सॉन्ग कौन सा लगा आप लोगों को, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।